ये है हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के प्रगतिशील किसान इमाम हुसैन। ये पिछले कई वर्षों से सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जायका परियोजना ने न केवल इनके खेतों को हरा भरा कर दिया है, बल्कि इनकी जिंदगी में भी खुशहाली आ गई है। इमाम हुसैन ने 3 बीघा भूमि पर सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया था, लेकिन योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा मिलने पर उन्होंने इस वर्ष सब्जी उत्पादन का दायरा 10 बीघा तक बढ़ा दिया है। जायका परियोजना से आज उनके वीरान पड़े खेत भी विदेशी प्रजाति की गोभी और अन्य सब्जियों से लहलहा रहे हैं। इमाम हुसैन के गांव कटौला और आसपास के क्षेत्रों के लिए जायका परियोजना के माध्यम से सिंचाई का पानी किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है। जायका ने हमें जो भी मदद है, जैसे उन्होंने उनसे हमने राय ली कि ये हो, तो उन्होंने सारी मदद की है हमें। जैसे मशीनरीज है तो स्प्रिंकलर वगैरह है, रेनगन वगैरह, ये जायका ने हमें प्रोवाइड करवाई थी। तो पानी की जो भी सुविधा है जो हमें जायका ने, और बीज वगैरह जो दूसरी सब्जियाँ हैं, फूल गोभी होगी या दूसरी शिमला मिर्च है, वो हमने जायका से ही उन्होंने ही हमें प्रोवाइड करके दी थी। जायका परियोजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण और बीज भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इमाम हुसैन बताते हैं कि विदेशी सब्जियों को वे सीधे बड़े शहरों में भेजते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। जब पहली बार लगाई थी तो मैंने 3-4 बीघे में लगाई थी, मेरे को उसमें से 2-2.5 लाख रुपये तक मतलब बेनिफिट हो गया था। तो अब तो मैंने 7-8-10 बीघे में लगाई है, तो बाकी और लोगों को भी मैं साथ में जोड़ता हूँ, उनको भी आगे बोलता हूँ। जो नौजवान है मेरे, खासकर जो नौजवान है जो बेरोज़गार है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ अपनी खुद की मतलब लैंड है, तो उसको हम खुद कमाएं, तो किसी के पास कमाने से बेहतर है कि अपनी ज़मीन को ज़मीन में मेहनत करें, तो एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जायका के जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर नवनीत सूद ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को सिंचाई सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। कि हमने पॉली हाउस बनाया हुआ है, पॉली हाउस में नर्सरी की मतलब खेती करते हैं, वहां पे किसानों को वहीं से नर्सरी मिल जाती है, और बाकी भी बहुत सी इस चीज़ें इस परियोजना में लगाई। लेकिन इसका मुख्य जो ये है कि यहाँ के किसान जो हैं, जो विदेशी सब्जियाँ उगाई हुई हैं, वो इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा उठाकर बहुत लाभ कमा रहे हैं। इमाम हुसैन आज अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जिन्होंने वर्षों से बंजर पड़ी जमीन को अपनी मेहनत के दम पर हरा भरा बना दिया है, और केंद्र सरकार की जायका परियोजना ने उनकी भरपूर मदद की है। मंडी से DD News के लिए अंकुश सूद की रिपोर्ट।